भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी और होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं आप सभी की स्क्रीन पे है करंट अफेयर विद मैपिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। कहने का मतलब है कल से मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आने वाला हूँ। कितने बजे? सुबह 8 बजे आप सभी के लिए करंट अफेयर आएंगे, कहाँ पर? डिफेंस एग्जाम चैनल पर, ठीक है? दिमाग में रखिएगा, कल से यानी कि फ्राइडे से आप सभी के लिए डिफेंस एग्जाम चैनल पर क्या है, डेली करंट अफेयर 8 बजे। और इसकी खासियत क्या होने वाली है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैपिंग, लर्न एंड रिमेंबर। रिमेंबर इज द फोकस कि आपको याद भी कर लेने हैं उसी टाइम। सभी एग्जाम के लिए, फॉर ऑल एग्जाम, एनी एग्जाम यू टेल, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक एग्जाम डिफेंस के इसमें मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? सभी ज्वाइन करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी। वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए, अमन 11 रेफर कोड अपना अन अकेडमी में जुड़ने के लिए आपको पता ही है, इसको आप जरूर क्या है यूज करिए। कभी भी अगर आप अन अकेडमी पे कहीं पे भी कोई भी कोर्स लेते हो ना यार, अमन 11 रेफर कोड यूज करो, 10% डिस्काउंट बहुत। चाहे आप यूजीसी नेट तक में कोर्स लेते हो, चाहे यूपीएससी तक में कोई कोर्स लेता है, चाहे सीबीएसई कोर्स है, अमन 11 रेफर कोड यूज करिए, 10% डिस्काउंट पाए। बैंक एग्जाम से है सर, यूजीसी और एसएससी सभी एग्जाम के चैनल स्टार्ट हो चुके हैं, इन्हें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, धमाकेदार सेशन है आज की क्लास में। टॉपिक क्या भाई, जल्दी से कमेंट करना है, आज की क्लास में क्या टॉपिक है? राम राम भाई, नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन, ठीक है? जल्दी से बताइएगा आज की क्लास का टॉपिक क्या है। बड़ा प्यारा टॉपिक है आज, ऐसा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। अब ये वो टॉपिक है जिसकी आपको मैं आज और कल दो क्लास देने वाला हूं, आज और कल फ्राइडे है, कल दो क्लास दूंगा, 5:30 बजे ही क्लास होगी कल भी, ठीक है? इस टॉपिक को अगर आपने कर लिया ना, आपको एडवांटेज ये होगी आप बाकियों से ज्यादा नंबर ले आओगे अगर आपने इस टॉपिक को किया, ठीक है? जल्दी से बताइएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। और भाई कहां पे, नहीं तो हम इंडियन आर्मी में ऑफिसर ना होते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है बच्चों किस संप्रदाय के समय में आया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइएगा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है कौन से संप्रदाय के समय में आया था? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, आंसर क्या है? महायाना सेक्ट, महायाना सेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? महायाना सेक्ट के टाइम पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या है आया था। मैंने गांधार के ऊपर पूरा पढ़ा रखा है, लेकिन बस ये क्वेश्चन जरूरी था। एक और क्वेश्चन आएगा गांधार के ऊपर, मैं बताऊंगा। रॉक कट जो कैलाश टेम्पल है बच्चों, ये कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा कहां पर स्थित है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यार सेशन को ना दो चीजें करना जरूरी है आप सभी के लिए, शेयर करना और लाइक करना। तो मैं लास्ट में बीच में एक लाइन बोलूंगा, भैया 200 पार पहुंचा दो लाइक को, वो लाइन तो मेरी फिक्स है, लेकिन शेयर तो कर दो, ठीक है? पहली कर दो, वो लाइन बाद में बोली जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, फेमस रॉक कट टेम्पल जो कैलाश है वो कहां पर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, अगर कैलाश पर्वत होता वहां तो नहीं लिख देते, आंसर क्या है? एलोरा, इसका आंसर देखते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होतेगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? 7 पगोडास जो कि महाबलीपुर में, जो महाबलीपुरम जो टेम्पल्स है उसमें फेमस है, पूछा गया किसके द्वारा बनवाया गया? बच्चे बताइएगा ये जो 7 पगोडास की जो कला थी ये किसके द्वारा, कौन से राजवंश के द्वारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, थर्ड का आंसर, आंसर क्या है बच्चे? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है पल्लवास, इसका आंसर है। यार पल्लवास जो होते हैं ना उनके द्वारा ये महाबलीपुर टेम्पल जो है इसमें क्या है ये कला जो है बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, महाबलीपुरम इज इंपोर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट आर्ट ऑफ। अब देखो क्वेश्चन वही आया है, महाबलीपुरम जब भी आएगा तो अब आंसर क्या होगा? यार एक जगह पे एक ही राजवंश तो होगा ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का अब आंसर क्या होना चाहिए? अब आर्ट और कल्चर उनका है तो भैया राज भी तो उन्हीं का ही होगा, तो सिंपल सी बात है। दोबारा आंसर क्या है, जब भी महाबलीपुरम आएगा तो आंसर पल्लवास होगा, ठीक है? दिमाग में रखना, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं हमें ना, ये चीजों को रिलेट करना है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करना है, बस इतना करना है, ठीक है? दिमाग में रखिए, इतना करना है कि रिलेट हो जाए। चलिए भाई एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर,
डिफेंस एग्जाम वालों के लिए अमन 11 रेफर कोड, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही आज में ये क्वेश्चन के जो एग्जाम है, ये जो पूरा कोर्स है, लाइव हो जाए। बस थोड़ा सा मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा लाइव। जब हो जाएगा लाइव तब मजा भी आ जाएगा। राष्ट्रकुता रूलर्स बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा, शिवा को क्या है पेट्रोनाइज करने के लिए एट एलोरा। पूछा गया कौन से राष्ट्रकुता रूलर्स थे, बताइए कौन से शासक थे जिन्होंने एलोरा गुफा बनवाई थी। महत्वपूर्ण है भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, कृष्णा फर्स्ट, ठीक है। कृष्णा फर्स्ट ये राष्ट्रकुता रूलर्स थे जिन्होंने क्या है कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा जो है बनवाया था। देखते हैं और क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कुशान स्कल्पचर जो है, जो कुशान जो राजा थे उनकी जो मूर्तियां थी, ठीक है, कुशान के जो राजाओं की मूर्तियां थी वो कौन से म्यूजियम में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन है, सबसे ज्यादा संग्रह किसका है, बताइए कौन से म्यूजियम में सबसे ज्यादा, कौन सा संग्रहालय है जिसमें सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, मथुरा म्यूजियम। कहां पे बच्चों, मथुरा म्यूजियम में, दिमाग में रखिएगा। कुशान स्कल्पचर सबसे ज्यादा कौन से म्यूजियम में कलेक्शन है इसका, मथुरा म्यूजियम में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएगा, तक्षशिला वाज द फेमस साइट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कला की सबसे फेमस साइट थी तक्षशिला, अभी भी फेमस है, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जल्दी से बताइएगा कौन सी कला की। अब ऐसा करिएगा, अब आ गया वो मौका जो बोलने मेरी लाइन का, और सीधा बोलूंगा भैया 200 पार पहुंचा देना लाइक को एक बारी, फिर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, 200 पार पहुंचा दिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, गांधार आर्ट का। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था गांधार आर्ट का, वही क्वेश्चन है, तक्षशिला जो फेमस है किसके लिए, गांधार आर्ट के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन द इंडियन एंड ग्रीक। दोबारा आंसर एक ही है, तक्षशिला भी, और अभी इससे पहले महायाना सेक्ट भी, और अब जो आंसर आएगा वो भी, सबका आंसर एक ही। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है बताएगा, इंडोर ग्रीक जो कलाएं थी, विशेषताएं थी, वो एक ही कला में थी, वो कला शैली कौन सी है, कौन सी कला शैली। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चों, कौन सी कला शैली है। सर कल फ्राइडे है भाई, कल भी होगी ये क्लास, ठीक है। चलिए आंसर क्या है, गांधार इसका आंसर है, इंडो ग्रीक, तक्षशिला, महायाना सेक्ट, ये सब कुछ गांधार से संबंधित है, दिमाग में रखना है। अजंता पेंटिंग किसके लिए फेमस है बताइएगा, कौन से काल में ये संबंधित है, अजंता पेंटिंग इनके टाइम पे बनाई थी। क्वेश्चन 9 का आंसर, आंसर क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे, किसके टाइम पर, गुप्ता पीरियड के टाइम पे अजंता पेंटिंग बनाई गई थी, दिमाग में रखिएगा, गुप्ता पीरियड के टाइम पे अजंता पेंटिंग्स बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, आता है यार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएगा, क्वेश्चन बहुत है अपने, बस अमन 11 याद रखना इस चीज को, कि अन अकेडमी पे कहीं पे भी जुड़ते हो तो अमन 11 लगा डालो, ठीक है, सीबीएसई वालों 10th 11 12th में कहीं पे भी लगा दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू, बच्चे बताइएगा, अगर मैं चोला टेम्पल की बात करूं तो भैया ये किसको समर्पित है, किसको देते हैं, मतलब अपनी श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर, आंसर क्या बच्चों, शिवा, कौन से भगवान को, शिव भगवान को समर्पित है चोला टेम्पल, दिमाग में रखेगा, चोला टेम्पल शिव भगवान को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देगा, आज दोबारा तापमान बढ़ता हुआ ऐसे बढ़ रहा है, मतलब जैसे सेंसेक्स बढ़ता है ना, या गिरता है सेंसेक्स, ठीक है, वैसे हो रहा है काम। विच इंस्क्रिप्शन, कौन सा ऐसा शिलालेख है जो कि चोलास का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका जो ग्राम प्रशासन है, उसके बारे में उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, उत्तरम मेरुपुर जो है ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। और भाई अभी इसके बाद 8:30 बजे भी क्लास है, दिमाग में रखना, 8:30 बजे भी क्लास है, और 7 बजे फ्री लाइव क्लास है अनअकैडमी पे, 8:30 बजे वाली क्लास साइंस की जरूर देखना, 8:30 बजे वाली साइंस की क्लास जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं इंफॉर्मेशन भी दूंगा एक इंपॉर्टेंट, तो 8:30 बजे साइंस की क्लास में जरूर आइए। क्वेश्चन 12 का आंसर क्या है, हाँ भाई, चोलक्या किंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू चोलक्या किंग पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बच्चों, आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, आईओएल है, ये मैं करा चुका हूं क्वेश्चन लाइव टेस्ट में, लाइव टेस्ट में मैंने क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है। देखिए सरल सवाल है, देखिए सेकंड पांड्या एम्पायर जो है उनके जो लैंड मेजर थे, भूमि उल्लेख जो बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी कि जमीन को कैसा काटा जाए, कितने कितना साइज होना चाहिए, कितनी कीमत होनी चाहिए, ये सब जो है
कौन से जो क्या बोलते हैं प्लेट्स में या इंस्क्रिप्शन में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, आंसर क्या बच्चे किसमें दे रखा है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर थलवापुरम कॉपर प्लेट्स, ठीक है दिमाग में रखेगा। एक और आज जो 11 बजे क्लास है, 11 बजे जो वाईफाई स्टडी क्लास है, दोबारा क्या है एक और टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड के, बच गए थे बहुत सारे कंपाउंड तो हमें करने हैं, कंप्लीट करने हैं आज 11 बजे वाली क्लास। दिमाग में रखिएगा, मेरे को पता नहीं कौन याद कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, पता नहीं कौन बार बार याद कर रहा है। हु कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, किसने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज किए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपको लग रहा होगा मैं गर्मी में बैठा हूं, मुझे ऐसा खुद को लग रहा है बहुत ज्यादा गर्मी में बैठा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, आंसर क्या है हरिसेना के द्वारा, बड़ा आसान क्वेश्चन है और फेमस है क्वेश्चन। हम्पी किसके लिए, यार जब ये हम्पी वर्ड आता है ना तो मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं किस तरफ जाता हूँ, विजयनगर की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है विजयनगर की कैपिटल है। मैं आपको बहुत बार लाइव टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, विजयनगर पूछा तो हम्पी होगा, हम्पी पूछा तो विजयनगर होगा, ठीक है दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। इन इंडिया एंशियंट आयरन एज, बच्चे बताइएगा एंशियंट आयरन एज जो थी, भारत में प्राचीन लोहे का जो युग था वो किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी कला है, कौन सी पोएट्री है, कौन सा बर्तन है जो कि फेमस है एंशियंट आर्ट आयरन कल्चर में, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, आंसर क्या है बच्चों, कौन सा है ग्रे पोएट्री, कौन सी ग्रे पोएट्री, ठीक है भूरी मिट्टी का जो बर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, रिलीजियस लेसन ऑफ ज्यूस, जितने भी यहूदी होते हैं उनका रिलीजियस लेसन किसमें होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, क्वेश्चन 17 का आंसर, आंसर क्या है बच्चे इसका, आंसर क्या है इसका, मोसा संहिता तोरहा कहते हैं इसे, ठीक है मोसा संहिता तोरहा कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एसएससी के बच्चों को पूरा एक तरीके से फुल फ्लेज फाउंडेशन कोर्स दिया जा रहा है, फाउंडेशन कोर्स में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फाउंडेशन कोर्स अपना 30 तारीख से लाइव हो रहा है, उसके बाद ये लगातार 2-3 महीने चलने वाला है, 2 या 6 महीने के बीच में आपका पूरा कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, A to Z, रीजनिंग मैथ GK साइंस सब कुछ कवर होगा इसमें, ठीक है दिमाग में रखिएगा, सब कुछ थ्योरी बेस्ड होने वाला है NCERT के थ्रू, डाउट क्लियरिंग सेशन सभी के लिए, SSC CGL SSC JEE Steno, अमन 11 रेफर कोड है इसके लिए, और आपके लिए जो पेमेंट है वो आपको बताइए बहुत मिनिमम है, अमन 11 रेफर कोड यूज करिए, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है उन बच्चों के लिए जिसको थोड़ा सा भी डर लगता है वो इस फाउंडेशन कोर्स में जुड़ जाइए, ठीक है बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। बाकी डिटेल आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी मिलता है, ठीक है। व्हाट वाज द सुटेबल लैंग्वेज फॉर द सोर्स ऑफ मटेरियल एंशिएंट टाइम, बच्चे बताएगा एंशिएंट टाइम में जो सुटेबल लैंग्वेज कौन सी थी, दिमाग में रखे कौन सी थी जल्दी से बताएगा, आंसर क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ टेम्पल, सबसे लंबे कॉरिडोर टेम्पल के कहां पे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बड़ा फेमस है ये मंदिर, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए आसान क्वेश्चन है, रामेश्वर, ठीक है कुछ भी याद नहीं आता तो शाहरुख खान तो याद आता ही होगा, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ टेम्पल, ठीक है दिमाग में रखो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, 20 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, खजुराहो टेम्पल, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा बनाए गए थे, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, खजुराहो टेम्पल का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, चंदेला राजपूत, ठीक है चंदेला राजपूत। देखते हैं एक और क्वेश्चन,
बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मुस्लिम इंडेवियर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन से ऐसे मुस्लिम इन्वेडर थे जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या है तहस महस किया था, लूटा था। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है? मोहम्मद बिन बख्तियार इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है, इस क्वेश्चन का हु वाज द फर्स्ट, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू द ऑर्बिट ऑफ द सन। बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन से सबसे पहले भारत के वैज्ञानिक थे, बताइएगा, एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कैलकुलेट किया था टाइम टेकन बाय द अर्थ टू द ऑर्बिट ऑफ द सन, ऑर्बिट के अराउंड घूमने के लिए कितना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का, भास्कराचार्य है, भास्कराचार्य इसका आंसर है, भास्कराचार्य इसका आंसर है। डिफेंस के बच्चे डिफेंस में जुड़िए, रेलवे के बच्चे रेलवे में जुड़िए। रेलवे वाले बच्चे दिमाग में रखना है इस चीज का, रेलवे का जो कोर्स है अभी हमारी क्या है 3 क्लास हुई है, ज्योग्राफी चल रहा है उसमें, कल भी अपनी क्लास है 4 बजे, दिमाग में रखना 4 PM पे अपनी क्लास है रेलवे की। तो आप अमन 11 रेफर कोड यूज करके जुड़ सकते हैं, रेलवे में भी अपना कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट 2-3 क्लास हुई है, आप जुड़ सकते हो इस कोर्स में पूरा। और डिफेंस वालों के तो पता ही है SSB NCERT स्टैंडर्ड बुक सभी कवर करके मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। स्टार्ट 27 मई से, 1-2 दिन का गैप हो गया लेकिन अपना कोर्स आज और कल में स्टार्ट है, ठीक है। बताइए कोनरॉक सन टेम्पल जो है कहां पे, 23 में क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे कहां पे है। अच्छा जी, बिल्ड किसने किया है, बनाया किसने, कोनरॉक का हम बता चुके हैं, उड़ीसा में मैंने पहले एक क्वेश्चन कराया था, अब पूछा गया बनाया किसने, जल्दी से बताएगा यार। ऐसा करना एक ही दम से ना लाइक को ना 300 पार कर देना, 300 पार, ठीक है, 300 प्लस कर देना, जल्दी से 300 प्लस कर देना, ठीक है। कोनरॉक टेम्पल जो है, सन टेम्पल कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया, ये उड़ीसा में है, कहां पे, कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया, ये उड़ीसा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन एट द महाबलीपुरम। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 का आंसर क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, रथास कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रथास कहते हैं। ये मोनोलिथिक रॉक श्राइन है जो कि महाबलीपुरम में, ठीक है, दिमाग पर रखें, इसकी यात्रा होती है महाबलीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात, क्वेश्चन नंबर 25, चोलक्या टेम्पल जो जैन टेम्पल है एट दिलवारा कहां पर सिचुएटेड। दिलवारा ही पता होगा यार सभी को। 25 में क्वेश्चन का आंसर, दिलवारा जो कहां पे है, राजस्थान में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, दिलवारा कहां पे, राजस्थान में। देखते हैं क्वेश्चन 25 का आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, आंसर क्या है, धर्मपाला के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, धर्मपाला के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई गई थी। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, यार जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है दिमाग में रखना 8:30 बजे वाली क्लास मिस मत करना साइंस की आज, और उसके बाद लाइव टेस्ट तो अभी सभी जानते हैं 9:30 बजे का लाइव टेस्ट धमाकेदार है, धर्मपाला इसका आंसर है। 8:30 फिर 9:30, ठीक है। गंदा टेम्पल किसका कॉम्बिनेशन है, इंडो ग्रीक, अभी बताया था आपको, ठीक है। ये क्लास डेली होती है, कल भी होगा आर्ट एंड कल्चर 5:30 बजे एग्जैक्टली, जिससे कि चैप्टर आपका खत्म हो जाए। विच स्क्रिप्ट वॉज यूज इन अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोका के शिला लेख में कौन सी स्क्रिप्ट को यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, ब्राह्मी टेम्पल, ठीक है, ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट को यूज किया गया था अशोका इंस्क्रिप्शंस बनाने के लिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन, यार हल्की सी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी भी बेकार साउंड नहीं आ रही होगी, कर लो अभी के लिए एडजस्ट कर लेता हूं मैं, ठीक कर लेता हूं इसको, ठीक है। अभी मैं क्लास ले रहा हूं ना, अभी मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, बस अभी क्लास ओवर होने दो फिर ठीक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएगा, वृद्धेश्वर टेम्पल जो है चोला के द्वारा बनाए गए थे, कहां पे बनाए गए थे। 29 क्वेश्चन का आंसर क्या है, तंजोर में बनाए गए थे। आसान है क्वेश्चन, तंजोर में ही बनाए गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रामेरियन, यार जब हम एक ग्रामेरियन सुनते हैं ना और संस्कृत लैंग्वेज, तो हमारा एक ही आंसर आता है, फादर ऑफ ग्रामर, ठीक है। आसान है, पानानी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31,
मिल्की वे गैलेक्सी किसके द्वारा देखी गई थी सबसे पहले? आंसर क्या बच्चों? गलीलियो के द्वारा देखी गई। ज्योग्राफी कहां से बीच में आती हुई? ज्योग्राफी कहां से बीच में आ रही है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है यार, मिस मत करना ठीक है। आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूं, बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं सर हमें ना करंट अफेयर याद नहीं होते, क्या किया जाए? सर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग सुबह सुबह होती है एक्टिव माइंड से, सुबह 8 बजे कल से, यानी कि कब से? कल से, फ्राइडे से आपके लिए डिफेंस एग्जाम चैनल पर करंट अफेयर है, डेली कराऊंगा, डेली 8 बजे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डेली का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। द हिंदू का पूरा अपडेट मिलेगा आपको, जितने भी इंफॉर्मेशन है पूरे डेली में सारी कवर होने वाली, दिमाग में रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं कल से इसे स्टार्ट कराने वाले हैं, ठीक है कल से इसे स्टार्ट करें यार, हर एक बच्चा देखना, मिस मत करना इस क्लास को, सुबह 8 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पे। लिंक कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे। अरे ज्योग्राफी कहां से आ गई इसमें? कॉमेट्स मूव्स अराउंड, जल्दी से बताइएगा सन के अराउंड मूव करते हैं। चलो कोई नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम? कौन सा सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, जल्दी से बताइएगा। नेबुला इससे रिलेटेड नहीं है, चलिए जल्दी से रिवाइज हो जाएगा ठीक है। करंट अफेयर मस्ट है आप सभी के लिए, सभी के लिए मस्ट है, जितने बच्चे देख रहे हैं कल से 8 बजे। लाइव टेस्ट 9:30 बजे है, लाइव टेस्ट 9:30 बजे है। डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में सबसे मैक्सिमम कब होता है? सबसे मैक्सिमम कब होता है जल्दी से बताइएगा आप, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। 4 जुलाई को सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है और 3 दिसंबर का भी एक क्वेश्चन आता है मिनिमम वाला, ठीक है। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है इसमें से, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। चलो थोड़ी सी ज्योग्राफी हो जाए, बीच बीच में क्या हो गया, हिस्ट्री हो रही थी बड़ी देर से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेशन लाइक और शेयर कर देना एक एकदम से, और फिर 8:30 बजे वाली क्लास में आ जाना ठीक है। 8:30 बजे वाली क्लास में आना इसके बाद, इस क्लास के जस्ट बाद ठीक है, जब भी होगी 8:30 बजे वाली क्लास। आज 7 बजे स्पेशल साइंस स्पेशल एमसीक्यू है, कहां पे? 7 बजे ठीक है, दिमाग में रखना। अन अकेडमी पे फ्री लाइव क्लास। 35वें क्वेश्चन का आंसर जुपिटर है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। 36वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा प्लैनेट है जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं है? मरकरी और वीनस। क्वेश्चन देखते ही उड़ा दो अब तो, एक साल मरकरी 88 डेज ठीक है, दिमाग में रखेगा। हाउ मेनी डेज, एक कितने दिन होते हैं एक साल में मरकरी में, कितने? 88 डेज होते हैं ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैटेलाइट कौन सी नहीं है इसमें से जुपिटर की? 38 क्वेश्चन का आंसर डिमोस जुपिटर की सैटेलाइट नहीं है, डिमोस जुपिटर की सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिमोस जुपिटर की सैटेलाइट नहीं है यार। कौन सी ऐसी लोकेशन है जिसमें से स्टार एमिट करते हैं एनर्जी को, जल्दी से बताइए। व्हाइट होल इसका आंसर है। What is the name of the hole in the outer space which emit star and the energy? White hole में से produce होता है। देखते हैं एक और question, question number 40. Nearest planet to the sun, answer क्या है? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, जश्न answer. Mercury इसका answer है, दिमाग में रखेगा, Mercury इसका answer है। चलिए ये question हो गए, अपनी next class 8:30 बजे science की धमाकेदार class, 7 PM पे आज Unacademy की free live class भी, आप उसे भी देखिएगा सभी के सभी, फिर live test तो है ही यार। करंट अफेयर कल पक्का देखेंगे, कल से स्टार्ट कर दो, मतलब एक रजिस्टर ले लो, एक मैप ले लो, और कल से सुबह 8 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पे आ जाना ठीक है। एक रजिस्टर और एक मैप और एक पेन नोट करना है, मतलब अपने करंट अफेयर बनाने हैं अब ठीक है। करंट अफेयर का मतलब क्या है कि आपको करंट अफेयर बनाने हैं, आप डेली के करंट अफेयर अपडेट करने हैं। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, 20,000+ जिसमें बच्चे होंगे, सर्च करना अमन सर वाईफाई स्टडी, जुड़ जाना। पीडीएफ लिंक सब कुछ इसी में मिलेगा, कल मैंने सारी पीडीएफ डाल दी थी। सेशन को लाइक करना, 7 बजे भी जुड़ो 8:30 बजे भी जुड़ो, करंट अफेयर के लिए रजिस्टर पेन ले लो, कल से हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं सुबह कितने बजे? 8 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पे ठीक है। ओके भाई, सभी को सेशन लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।